हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज कटहल के अचार की रेसिपी शेयर करते हैं। ये अचार मेरी मम्मी बना रही हैं, तो चलिए मम्मी के तरीके से आज कटहल के अचार की रेसिपी शेयर करते हैं। ये कटहल का फल बहुत बड़ा था, इसको काटने के लिए भैया की हमने हेल्प ली थी, वही काट रहे हैं उसको। कटहल का फल जब भी काटें तो उसके नीचे कोई प्लास्टिक शीट वगैरह बिछा लें, क्योंकि कटहल से दूध बहुत निकलता है, बहुत चिपचिपा रहता है। हो सके तो हाथों में भी ग्लव्स पहन लें। भैया ने तो इसी तरह से काट लिया है और उन्होंने उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। कटहल अचार के लिए जब भी लें तो अच्छी सफ़ेद वाली कटहल लें, उसका अचार अच्छा बनता है। और सभी टुकड़ों को हम अच्छे से पानी में डुबो के रख देंगे थोड़ी देर के लिए। कटहल को मम्मी चूल्हे में बना रही हैं, उसको हल्का सा उबालेंगी गर्म पानी में डाल के, 10 मिनट के लिए उबाल के उसके बाद सुखा के बनाएंगी। उसके लिए मम्मी ने एक बहुत बड़ा बर्तन लिया है, उसको अच्छे से मिट्टी का लेप लगा रही, क्योंकि इसको चूल्हे पर चढ़ाना है ताकि बर्तन जले ना। आप देख सकते हैं इस तरह से लेप लगा के और फिर इसको चूल्हे पे रखा जाएगा। अब कटहल को हम एक अलग से डलिया में छान लेंगे ताकि उसका पूरा पानी निकल जाए। अच्छे से धो लिया है यहाँ पे, उसमें पानी अब बिल्कुल नहीं रह जाएगा। इसके बाद चूल्हे पे हमने बर्तन चढ़ा दिया था, पानी आधा ही डालें, क्योंकि जब कटहल डालेंगे तो पानी बिल्कुल ऊपर तक आ जाएगा। और पानी में जैसे अच्छा सा बॉयल आने लगेगा उसमें कटहल के टुकड़ों को डाल देंगे। आप देख सकते हैं पानी अच्छे से उबलने लगा है। अब थोड़ा थोड़ा करके कटहल के टुकड़ों को डाल देंगे इसमें। इसके साथ कुछ भी नहीं डालेंगे, ना नमक ना हल्दी, सिर्फ कटहल के टुकड़ों को ही उबालेंगे। बहुत सावधानी से करें, पानी बहुत गर्म है। आप चाहें तो कुकर में भी उबाल सकते हैं, बस बिना सीटी के ही उबालें और जैसे प्रेशर बनने लगे तो उसको अलग कर दें। बस 10 मिनट बाद अच्छे से कटहल उबल जाएगी, फिर उसको एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ देंगे ताकि उसका पूरा पानी निकल जाए। फिर 3-4 घंटे के लिए हम अच्छी तेज़ धूप में उसको सुखा देंगे ताकि उसका पूरा मॉइस्चर सूख जाए। कटहल को ज़्यादा नहीं उबाला है क्योंकि हमें अचार बनाना है इसका। बिल्कुल हल्का सा सॉफ्ट हो जाए कटहल, उसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, बस इतना ही पकाएंगे। आप देख सकते हैं कटहल थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, लेकिन उसमें पानी है अभी। इसको हम 3-4 घंटे के लिए धूप में सुखाएंगे। जब तक कटहल सूख रही है, हमने यहाँ पे 2 कटोरी लहसुन छील लिया है, इसे भी अचार में मिलाएंगे। पर इसे हम हल्का सा क्रश कर लेंगे, बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा क्रश करेंगे इसमें, इस तरह से। लहसुन डालने से कटहल के अचार का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। मम्मी ज़्यादातर अचार में लहसुन ज़रूर डालती हैं, आम के अचार में, मिर्च के अचार में, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है अचार का। और बस मम्मी ने पहले से मसाले सब रेडी करके रख लिए हैं। 2-3 घंटे हो गए हैं, कटहल भी सूख गई है। उसके बाद मम्मी ने सारे मसाले मिलाने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले एक बड़ा बर्तन लिया है, उसमें थोड़ी सी अजवाइन, हल्दी, करायल और यहाँ पे धनिया, सौंफ और जीरे का, जीरे को मम्मी ने अच्छे से हल्का सा रोस्ट कर लिया था, ड्राई रोस्ट करके पीस लिया है। उसके बाद नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, लाल मिर्च का पाउडर, तीखा आप जैसा पसंद करते हो, और जो लहसुन हमने पीस के रखा था उसको भी डाल देंगे। और राई पाउडर, उसको भी मम्मी ने पहले से तैयार करके रखा था, राई पाउडर ज़्यादा ही डालेंगे। मम्मी सभी मसाले अंदाज से डालती हैं क्योंकि उनको बहुत प्रैक्टिस है अचार लगाने की। इसके बाद आप देख सकते हैं कटहल भी अच्छे से सूख गई है। फिर सभी मसालों के ऊपर अच्छे से सरसों का तेल डाल देंगे। यहाँ पे कच्चा तेल ही यूज़ किया है, आप चाहें तो पका के और उसको ठंडा करके भी डाल सकते हैं। और सभी मसालों में तेल अच्छे से मिला लिया है। इसके बाद यहाँ पे मम्मी ने सिरका डाला है, ये आप काला दिख रहा होगा, मेरे मामा जी के यहाँ गन्ने का सिरका बनाया जाता है, ये वहीं से आया है इसलिए इसका कलर काला है। आप चाहे तो वाइट विनेगर भी डाल सकते हैं, इससे अचार बहुत दिन तक ख़राब नहीं होता है और उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है। इसके बाद जो हमने कटहल सुखा के रखी थी उसको मिलाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके।
और उसको हाथों की सहायता से अच्छे से उलट पलट के मिलाएंगे ताकि हर एक कटहल में मसाले की अच्छे से कोटिंग हो जाए। आप देख सकते हैं कटहल का बहुत अच्छा कलर आया है। अभी 2 दिन के बाद ये और अच्छा लगेगा। शुरू में मम्मी ने तेल कम ही डाला है, बाद में तेल और डालेंगे इसमें। कटहल के अचार में मसाला पर्याप्त रखें, कम बिल्कुल ना रहे, तभी खाने में मज़ा आता है। और बहुत अच्छे से इसको मिलाएं। बस अचार रेडी है खाने के लिए, क्योंकि हमने इसको बॉईल करके बनाया है। आप चाहें तो अभी भी खा सकते हैं या फिर 2 दिन बाद, तो बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। अब इसको किसी भी कांच के या प्लास्टिक के जार में एयर टाइट करके रख लें और रोटी चावल दाल के साथ एंजॉय करें।